नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको YouTube स्टूडियो के हवाले से बताएंगे और इसमें डिफरेंट फीचर्स के हवाले से आगाह करेंगे। जी नाज़रीन, पिछली वीडियोस में हम आपको YouTube के डिफरेंट स्केल ट्रिक्स और YouTube वीडियो अपलोड करने का तरीका, टाइटल वगैरह के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली YouTube स्टूडियो के बारे में बताएंगे। जी नाज़रीन, अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज है तो फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, जो है ना, आपने एक ऐप डाउनलोड करना है, YT स्टूडियो, इसका मतलब है YouTube स्टूडियो। अगर आपके पास ये ऐप इंस्टॉल है तो आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद जो है ना, आप जिस चैनल पे काम कर रहे हैं वो चैनल ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे चैनल का नाम है कैलिफोर्निया प्रेस, तो वो सबसे ऊपर आएगा। इसके नीचे जो आएंगे, मतलब कुछ लिखा हुआ होगा, वो इसके सब्सक्राइबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सब्सक्राइबर इस टाइम जो है ना, वो 15,000 हैं, ठीक है। उसके नीचे जो है ना, चैनल एनालिटिक्स लिखा आता है, इसमें लास्ट 20 डेज, इसमें जो है ना व्यू, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये 4 ऑप्शन आते हैं। नाज़रीन, क्योंकि आपने ऊपर देखा है चैनल एनालिटिक्स में, लास्ट 28 डेज़ जो लिखा हुआ है ना, इसके नीचे जो 7 मतलब कुछ भी नज़र आता है, व्यू जो है ना, इसका मतलब ये व्यू आपके लास्ट 28 डेज़ में हैं। और वॉच टाइम का मतलब भी यही है कि ये वॉच टाइम आपके जो लास्ट 28 डेज़ हैं उनमें ये वॉच टाइम है, और सब्सक्राइबर भी यही 28 डेज़ के हैं, और अर्निंग भी इन्हीं की ही है। तो इसके बाद नाज़रीन, आप सबसे नीचे हैं ना, इसको देखें तो ये डैशबोर्ड पर सेलेक्ट है। इससे एक आगे ऑप्शन है कंटेंट। कंटेंट का मतलब है जो भी कंटेंट आपने अपलोड किया है तो वो ओपन हो जाएगा। नाज़रीन, वो सबसे ऊपर जो है ना, ये आप देखें तो वीडियोस, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट। अब ये आपका वीडियोस पे होगा, अगर तो आप वीडियो डाल रहे हैं, अगर आप शॉर्ट पे काम कर रहे हैं तो शॉर्ट्स करना है, उसमें शॉर्ट्स वाली वीडियो आपको नज़र आएंगी। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आप लाइव पर चले जाएँ। अगर प्लेलिस्ट में जाना चाहें, मतलब आपकी एक वीडियो बंदा प्ले करे तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे वीडियो प्ले की सूरत में प्लेलिस्ट बनाए, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है नाज़रीन। ये कंटेंट हमारा हो गया। इसके बाद एनालिटिक्स है, तीसरे नंबर पे सबसे नीचे। एनालिटिक्स का मतलब ये है कि एनालाइज करता है आपके चैनल के, आपका चैनल कितना ग्रो कर रहा है, कितने वॉच टाइम आए, उसके बाद कितने व्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू में आप देखें, योर चैनल गॉट समथिंग लिखा आएगा, व्यू इन लास्ट 28 डेज़, इसका मतलब है कि आपका चैनल इतने व्यू कितने में कर चुका है, 28 डेज़ में कर चुका है, बिल्कुल। तो इस थोड़ा सा नीचे आए तो आपको नज़र आएगा कि टॉप कंटेंट। टॉप कंटेंट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा व्यू जिस वीडियो पे आप गए हैं, वो 4, 5, 6 वीडियो जितने भी हैं वो नज़र आएंगे आपको। और इसके नीचे आप आएंगे रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब है 48 आवर्स। ये 48 आवर लिखा हुआ है, तो इसमें आपको जितना भी शो होगा उसका मतलब है कि ये वॉच टाइम जो है ना, आपने कितने में गेन किया है, 48 आवर्स में गेन किया है, ठीक है। और उसके नीचे वो वीडियोस आएंगी जहाँ से ये व्यू आए हैं। तो नीचे आप जो को जो वीडियो नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर रियल टाइम लिखा रहा है, रियल टाइम में जितने व्यू नज़र आ रहे हैं वो व्यू इन वीडियोज़ की ही हैं जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं, ठीक है नाज़रीन। इसके आगे आपने जाना है कमेंट में। कमेंट में डिफरेंट वीडियोस पे जो लोग कमेंट करते हैं वो आपको नज़र आएंगे। और सबसे अहम फैक्टर जो है ना, वो लास्ट में अर्निंग। अर्निंग पे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें यूट्यूब पॉलिसीज़ के हवाले से डिफरेंट जो है ना, आपको हिदायत भी गिवन हैं, और आपका जो मतलब आपकी जो अर्निंग है वो भी आपको नज़र आएगी। अगर तो क्योंकि इसमें मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि मेरा अभी तक जो गूगल एडसन है, ये मेरा चैनल लिया है तो गूगल एडसन अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। पिन का वेट कर रहे हैं, पिन आ जाए तो उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बारे में एक अलग वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह बताएंगे इसके बारे में। आप दोबारा चले जाएँ कंटेंट में नाज़रीन। कंटेंट में किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करें। वीडियो में सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे हैं तो आपको नज़र आएगा गो टू एनालिटिक्स, बिल्कुल। तो गो टू एनालिटिक्स में जो है ना, आप उस वीडियो के बारे में देखेंगे, सबसे ऊपर लिखा है दिस वीडियो हैज़ गॉटन समथिंग व्यू सेंस इट वॉज पब्लिश्ड, इसका मतलब है कि आपका वीडियो जो है ना, इतने व्यू आपके वीडियो पे आ चुके हैं।
इसके नीचे एक ग्राफिक वो है, वो ये शो कर रहा है मतलब कि आपके कितने व्यू हैं, कितने डेट और किस वक्त पे हैं, ठीक है। इसके नीचे ऑडियो रिटेंशन है, ऑडियो रिटेंशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके नीचे रियल टाइम है। तो अब तक के लिए जो है ना इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको और बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।